जय हिंद दोस्तों सो इन द लास्ट वीडियोस वी हैव कंप्लीटेड द नदन डेनेसिटीज एंड द आर्किटेक्चर इन इंडिया पार्ट फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट विद द साउथ इंडिया दैट इज द चोल चालुक्य पल्लव एंड संगम डोंट गेट कन्फ्यूज विद चोल एंड चोला आई प्रनाउंस इट चोल वाई बिकॉज दिस इज एन इंडियन डेनेसिटी एंड वी विन द नेम्स बाय एडिंग ए टू एवरीथिंग चोला चेरा पांड्या दीज वर बेसिकली चोल चेर पांड्या ठीक है गुप्ता डेनेस्टी भी जो हम बात करते हैं दैट इज एक्चुअली गुप्ता डेनेस्टी इज रिटन इन द हिंदी एविडेंशियल फैक्ट्स ऑल्सो इन द हिंदी स्ट्रिप्चर्स सो आई जनरली से दिस आई ट्राई आई विल ट्राई टू कीप इट चोला फॉर यू बट डो नाट गेट कन्फ्यूज दे आर नॉट डिफरेंट ओके सो

संगम में भी चोल हुए थे तो उनका जो फॉल एंड मेडिवल चोल जो रहा अंडर विद्यालय उसका राइज उस पीरियड को ये बोलते हैं चोल एम्पायर तो ये वाला जो विद्यालय के अंदर जो हुए थे ये हुए थे नाइन्थ सेंचुरी में उससे पहले संगम में भी चोल हुए थे उनका डिक्लाइन हुआ और इनका राइज हुआ उनका पतन हुआ इनका उदय हुआ ठीक है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल कॉम्प्लेक्स हैव अ मैसिव स्टैचू ऑफ नंदी स्टैचू ऑफ नंदी कंसिडर टू बी द बिगेस्ट इन इंडिया तो ऑप्शन हैं आपके बृहदेश्वर टेम्पल लिंगराज टेम्पल कंदड़िया ऑप्शन तो यहीं से आंसर तो यहीं से निकल रहा है इट इज़ बृहदेश्वर लास्ट ऑप्शन क्या है लिपाक्षी टेम्पल ठीक है तो बृहदेश्वर टेम्पल लिंगराज टेम्पल कंदड़िया महादेव टेम्पल लिपाक्षी टेम्पल ये चार ऑप्शंस दिए हैं इसमें से सबसे बड़े नंदी की जो प्रतिमा है जो मूर्ति लगी हुई है वो बृहदेश्वर में लगी हुई है इट इज़ मेड इन रविडियन स्टाइल टेम्पल ऑफ चोला स्टाइल विच वॉज कंस्ट्रक्ट इन द रेन ऑफ राज फर्स्ट ठीक है तो राज प्रथम फर्स्ट के टाइम पर यह बनाया गया था ये मंदिर एंड ये इट इज़ कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट एंड टॉलेस्ट टेम्पल इन इंडिया इसका जॉन्ट सेंगटम है और दो आइडल्स हैं द्वारपाल के जो मेन डिटी है उनके आस पास श्राइन के जाइजेंटिक नंदी जो कि एक सिंगल रॉक से बनाए गए हैं वो भी इसके एक्सटीरियर में

ये रहेंगे देन होइसल कोरोमंडल कोस्ट ऑफ एंड सम रीजन ऑफ दक्कन तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोरोमंडल कोस्ट एंड सम रीजन ऑफ दक्कन चोल एरिया जो है इफ यू हैव एनी आइडिया अबाउट द इंडियन मैप तो आप देखेंगे कि कोरोमंडल कोस्ट कौन सा है एक बार उसको मैप पे आप देख लीजिएगा ठीक है द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द चोल डेनेस्टीज स्ट्रेच फ्रॉम साउथ साउथ टू नॉर्थ जो ट्रिब्यूटरीज थी चोल डेनेस्टी की वो साउथ टू नॉर्थ स्ट्रेच हो रही थी नेमली द बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा रिवर टू कृष्णा रिवर द बॉर्डरलीनेस ऑफ चोल इंक्लूडेड कोरामल कोस्ट एंड सम एरियाज ऑफ दक्कन जैसे कि उैयूर कावेरी पट्टनम थंजावूर ये सब इसमें टच कर रहे थे द कैपिटल ऑफ वर। द कैपिटल क्या थी इनकी इन ऑप्शन में से देखेंगे तो इट वॉज तंजोर ऑल दो uh, इसके अलावा गंगाई कौन चोलपुरम ये भी उनकी कैपिटल बनी थी और उैयूर भी उनकी कैपिटल थी बट वो संगमैरा में थी ठीक है संगमैरा के जो चिल चोल थे उनकी जो कैपिटल थी दैट वॉज़ उैूर इसके अलावा लेटर फेज में अभी की बात करें तो लेटर फेज़ में गंगई कोण चोलपुरम भी उनकी कैपिटल बनती है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज स्पेशल फ़ीचर ऑफ चोल एडमिनिस्ट्रेशन तो देखिए चोल का सबसे स्पेशल फीचर क्या था कि उस टाइम पे वहाँ पे पंचायत थी मतलब समझ रहे हैं विलेज एडमिनिस्ट्रेशन द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज दे रहा है तो डिवीजन ऑफ एम्पायर इन टू मंडलम अटोनॉमी ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ये बोल रहे हैं सबसे स्पेशल फीचर ठीक तो अटोनमी ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन फुल पावर्स टू मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट चीप एंड प्रॉपर टैक्स कलेक्शन मैथड सो इट इज़ बी अटानमी ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ये स्पेशल फीचर था इनका विच वॉज स्पेशली ऑफ दैम चोल विज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वेरी सिस्टमैटिक एंड वेल डेवलप

चोल एज वॉज मोस्ट फेमस फॉर अगेन सेम क्वेश्चन विलेज असेंबलीज असम्बलीज विदर्न इंडियन स्टेट हैज विलेज एडमिनिस्ट्रेशन चोल डेनेस्टी फेमस फॉर एफिशियंट रूरल एडमिनिस्ट्रेशन इज चोल देखिए सेम क्वेश्चन कितनी ही बार रिपीट हुआ है मल्टीपल टाइम्स इट कॉट रिपीटेड नाउ अ लॉट ऑफ डिटेल्स रिगार्डिंग द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द चोल इज प्रोवाइडेड बाय द इंस्क्रिप्शन एट नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ आई कुछ तो चेंज करेंगे तो क्या चेंज हुआ है दे ऑलरेडी सेट दैट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ चोल एम्पायर नाउ दे आर आस्किंग ये एविडेंस कहाँ से मिला है ये कहाँ से आपको पता चला है कि ऐसा था विच इंस्क्रिप्शन इट इज़ सो इट इज़ द इंस्क्रिप्शन ऑफ उत्तरा मेरुर अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्किंग सिस्टम ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ ग्राम सभा इन चोल विलेज एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन आरकाइड फ्रॉम उत्तरा मेरुर इंस्क्रिप्शन जो कि ये बताती है कि हर विलेज जो था उसकी एक अपनी कमिटी थी जिसको सभा बोलते थे एंड यूजली इंडिपेंडेंट होते थे ये सेंट्रल कमांड से एंड इंडिपेंडेंटली एडमिनिस्टर किए जाते थे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा नेक्स्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ चोल किंग्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग वरियम्स लुकड आफ्टर गार्डन एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है वरियम्स मतलब कमिटीज़ uh, मान सकते हैं आप अलग अलग सेट्स बना दिए थे तो uh, ये पूछ रहे हैं कि कौन सी कमिट उस कमेटी का नाम क्या था जो गार्डन एडमिनिस्ट्रेशन देखती थी तो ये थी थोट्टा वरियम ठीक है थोट्टा वरियम तो वर्किंग कमेटी जो कि सुपरवाइज करती थी एक्टिविटीज को चोल एरा में उसको क्या बोलते थे वरियम बोलते थे अगर कभी नॉर्मल क्वेश्चन भी आ रहा है कि वरियम्स क्या थे ड्यूरिंग द एंशियट पीरियड सो दे द कमिटीज द वर्किंग कमिटीज ठीक है तो थोट्टा वरियम जो था वो हॉर्टिकल्चर बोर्ड देखता था जबकि संवत्सर वरियम एनुअल कमेटी थी एरीवरियम जो थे वो टैंक्स या लेक्स मतलब कुल मिला के वाटर सप्लाई के इंचार्ज थे और पण वरियम जो थे वो गोल्ड या फाइनेंस कमेटी होती थी पण ठीक in तो है नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द चोलाज डिफीटेड पांड्या एंड चेर रूलर्स एंड एस्टेब्लिश द डोमिनेशन ओवर पेनसुलर इंडिया इन द मेडिवल टाइम्स तो ये बोल रहे हैं कि जो चोल थे द डिफीटेड द पांडे एंड चेर रूलर्स ठीक है और उन्होंने अपना डोमिनेशन स्टैब्लिश किया था ओवर द पेनसुलर इंडिया दूसरा ये बोल रहे हैं द चोला सेंट एन एक्सपीडिशन अगेंस्ट शैलेंद्र एम्पायर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड कॉन्क्रट सम ऑफ द एरियाज ठीक तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है देख लेते हैं इनको चोल डेनेस्टी को स्टैब्लिश किया गया था बाय पारंतक फर्स्ट इन सदर्न इंडिया he defeated madura uh, sorry madura king and assumed the title of madurai kondhu who parantak according to thanjavur inscription Rajraj Raj first defeated chera naval army in kandalur and then Rajraj Raj first and his son rajendra 1 इन्होंने एक एक्सपेडिशन भी भेजा था शैलेंद्र एंपायर के अगेंस्ट जो कि साउथ ईस्ट एशिया में है एंड दे कॉन्करड सम पार्ट्स ऑफ एरिया as they were facing difficulty in a trade with china ठीक है तो दोनों स्टेटमेंट ये सही हो जाते हैं नेक्स्ट ब्रॉन्स आइकन्स ऑफ नटराज व कास्ट ड्यूरिंग द चोल पीरियड इनवेरिएबली शो द डीटी विद ठीक है तो ये बोल रहे हैं कि जो चोल uh, एम्पायर का सबसे इम्पोर्टेंट जो एक स्कल्पचर uh, um, था दैट वॉज द नटराज मूर्ति ठीक है आज जो आप नटराज की मूर्ति देखते हैं स्पेसिफिकली जब जो हमारे परफॉर्मर्स uh, होते हैं जो डांस परफॉर्मर्स होते हैं वो हमेशा नटराज का आशीर्वाद लेते हैं शिव भगवान का तो ये पूछ रहे हैं ये जो um, मूर्ति थी ये बनाई गई थी चोल एम्पायर के टाइम पे दिस वाज एन वेरी एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ द स्कल्पचर ड्यूरिंग द चोल एम्पायर ब्रॉन्स स्कल्पचर अब नाउ दे आर आस्किंग दैट हाउ मेनी हैंड्स टू डज द डीटी हैव मतलब शिव जी के उसमें कितने हाथ हैं तो ये बोल रहे उसमें चार हाथ हैं शिव जी के चोल आर्टिस्ट स्थपति स्थापति वर एक्म्पलिश्ड इन कार्विंग द आर्ट दे फ्रेम न्यूमरस पोर्ट्रेट्स ऑफ स्टोन्स एंड मेटल्स ब्रॉन्सल्चर्स व प्रिपेयर वास्ली दैन स्टोन स्कल्पचर ठीक है तो उस टाइम पे स्टोन से ज़्यादा ब्रॉन्ज के स्कल्पर बना रहे थे उस पीरियड में चोल एम्पायर में एंड मोस्ट एलिगेंट आइडल्स ऑफ नटराज दैट इज शिवाउंड इन लार्ज नंबर्स दीज आइडल्स आर फोर द हैंडेड ये क्या इंग्लिश लिखी हुई गलत है दीज आइडल्स है फोर हैंड्स ठीक है विच वन ऑफ द फॉलिंग इज कंसिडर टू बी द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट आइकनोग्राफिकल क्रिएशंस मेड बाय स्थापतिज ऑफ साउथ इंडिया

तो दे हैव फोर हैंड्स ठीक है तो ऐसा डिपिक्शन है कि मतलब उन्होंने अपना जो तांडव पोज था उसमें वो हुआ है इसमें क्या है इसमें वो टीचर के फॉर्म में है दक्षिण मूर्ति आइडल में वो टीचर के फॉर्म में है मेंटर गुरु और टीचर शिवा इज कंसिडर्ड इन दिस फॉर्म इज़ प्रोवाइडिंग नॉलेज टू हिज डिवोटीज द दक्षिण मूर्ति आइडल इज इंस्टॉल्ड फेसिंग साउथ डायरेक्शन ठीक है तो साउथ डायरेक्शन में फेस कर रही है इसलिए उसको दक्षिण मूर्ति बोला गया है ना नेक्स्ट क्वेश्चन किसके ट्यौर में सेवेंटी टू ट्रेडर्स को चाइना भेजा गया था सो ही वॉज कोलोतुंग फर्स्ट कोल्होतुंग फर्स्ट इन वन जीरो सेवन सेवन एटी ठीक है तो चोल सेंट गुडविल मिशन ऑफ सेवेंटी टू ट्रेडर्स टू चाइना इन द रेन ऑफ चोल किंग कोलोतुंग फर्स्ट ठीक सेवेंटी टू हैज सम सिग्निफिकेंस आई गेस क्योंकि जब uh, पहली कांग्रेस मीटिंग हुई थी तभी सेवेंटी टू डेलीगेट्स ही गए थे Uh, मतलब पार्टिसिपेट किया था सो सेवेंटी टू ट्रेडर्स ऑफ चाइना भेजे गए थे चाइना किसने भेजे थे कोलोतुंग फर्स्ट ने विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ इंडियन स्टेट्स वॉज फेमस फॉर इट्स नेवल पावर चोल किंग ने अपनी एक मैसिव कंसोलिडेटेड ट्रूप मेंटेन किया हुआ था विद अ प्रोफिशन नेवल पावर विंग द चोल नेवी प्लेड अ वाइटल रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ चोल एम्पायर इंक्लूडिंग द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिलॉन आईलैंडस एंड नेवल रीड्स ऑन श्री विजय सिन्हाल एंड मालदीव ठीक है आई डोंट नो इसका आंसर ऐसे क्यों है विच ऑफ़ द फॉलिंग इंडियन स्टेट्स वॉज फेमस फॉर इट्स नेबल पावर बिकॉज इसीलिए आई हैव रेड द एक्सप्लेशन बिफोर ये स्टार देख के बिकॉज आई वॉज नोइंग ये चोल होना चाहिए मे बी ऐसा हो सकता है कि दीज ऑल्सो हैव दिस नेवल पावर बट उतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं हो सकता है देखते हैं बट uh, यहाँ इसका आंसर चोल होना चाहिए ठीक है विच अमंग द फॉलोइंग डेनेस्टीज किंग डेयर द सक्सेसर इन देयर ओन टेन्योर तो अपने ही टेन्योर के रहते हुए अपना सक्सेसर कौन डिक्लेयर करता था जनरली चोल एम्परर्स यूज टू इलेक्ट देयर युवराज ड्यूरिंग द टेन्योर हु बिकम्स देयर एम्पायर हायर ऑफ द एम्पायर आफ्टर दैम बट इन अदर एम्परर्स ऑल्सो इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू गिव द पोस्ट ऑफ क्राउन टू अ क्राउन प्रिंस टू अ प्रिंस तो जनरली चोल में ये फीचर था लेकिन बाकियों में भी था इसलिए इसमें स्टार मार्क किया हुआ है फॉलोइंग चोल रूलर्स कन्वर्ट कन्वर्टेड बंगाल इंटू अ चोल लेक तो बे ऑफ बंगाल को उन्होंने चोल लेक ही बना दिया था ये कौन थे ये थे रा, राजेंद्र फर्स्ट जो राज फर्स्ट के बेटे थे राजेंद्र चोल फर्स्ट वॉज द चोल एम्पर हु इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स एंड मिलिट्री जनरल्स ऑफ इंडिया ही सक्सीडेड हिज फादर राज चोल फर्स्ट राजस्ट एनेक्स्ट द होल ऑफ श्रीलंका एंड डिफीटेड महपाल आफ्टर दैट अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ गंगई कौंड चोलपुरम गंगई कौंड राजेंद्र फर्स्ट फाउंडेड अ न्यू कैपिटल कॉट गंगई को गंगई कौंड चोलपुरम जिसको अभी हम देख रहे थे कि सबसे पहले जो उन्होंने तंजोर किया था बाद में गंगई कोण चोलपुरम भी बन गया था वो किसने किया राजेंद्र फर्स्ट ने किया एंड चोल नेवी वॉज द स्ट्रोंगेस्ट इन द एरिया देखिए अभी इसका आंसर हमें यहाँ से भी मिल रहा है स्ट्रॉगेस्ट तो चोल आ, चोल की है लेकिन ये हो सकता है कि इनके दूसरे बाकी रूलर्स के पास भी नेवी हो और वो आ, उतनी स्ट्रांग ना हो ठीक है सो so चोल नेवी वॉज द स्ट्रोंगेस्ट इन द एरिया एंड द कन्वर्टेड द बे ऑफ बंगाल इन टू चोल लेक हु वॉज द फाउंडर ऑफ गंगई कौन चोलपुरम नाउ दिस इज ईजी फॉर यू राजेंद्र फर्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग चोल रूलर्स इज क्रेडिटेड टू हैव बिल्ट अज आर्टिफिशल लेक अलोंग द चोल गंगम सो अगेन राजेंद्र फर्स्ट होने चाहिए फर्स्ट नहीं है बट अगर नहीं भी है तो यू हैव टू पुट राजेंद्र राजेंद्र फर्स्ट सेकेंड में आता तो कन्फ्यूजन हो जाता ठीक है नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग टेम्पल्स एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्ट्स कि वन बिलो बृहदेश्वर टेम्पल गंगईकोण कोण चोलपुरम टेम्पल शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम एंड सप्त पगोडा इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है सो दे आर सेइंग सप्त पगोडा जो है वो 64674 एडी के टाइम का है मतलब पहले ये आ जाएगा देन शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम ये 674 से 800 के टाइम तक बने थे शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम ओके okay. देन बृहदेश्वर टेम्पल ये बने थे राजराज -राज फर्स्ट के टाइम पे मतलब नाइन्थ सेंचुरी ठीक है एंड uh, गंगाई कौन चोलपुरम ये उसके बाद बने हैं राजेंद्र वन ठीक है तो ये दो की क्रोनोलॉजी तो हमें पता थी हाँ बाकी फोर थ्री वन टू डी फोर थ्री वन टू विद चोल किंग स्टार्टड नेवल आर्मी नेवल आर्मी किसने स्टार्ट की थी राजस्ट ने स्टार्ट की थी उसके बाद उसको कैरी फॉरवर्ड किया लेक में चेंज किया अरेबियन सी को राजेंद्र फर्स्ट ने द गोल्डन एयर ऑफ द चोल एम्पायर स्टार्ट विदेशन ऑफ द राज फर्स्ट नाइन एटी फाइव ए डी टू द्रोन राजस्ट वॉज चोल किंग्रिएटेड द नेवल आर्मी ठीक है और इन्हीं के टेन्योर में क्या हुआ था प्रहदेश्वर टेम्पल भी बना था नेम द चोल किंग हु द नदन पार्ट ऑफ श्रीलंका सो इट राजराज राजराज फर्स्ट फर्स्ट श्रीलंका एंड डिस्ट्रॉयड द अनुराधापुरा ही कैप्चर्ड ओनली द नदन पार्ट ऑफ श्रीलंका पार्ट रिमेन इंडिपेंडेंट हिस्सन फर्स्ट कैप्चर्ड द सदन आइलैंड एंड होल श्रीलंका वॉज कवर्ड एंड डिफीटेड द महेंद्र वर्म वर्मा फर्स्ट ठीक है तो देखिए सॉरी फर्स्ट नहीं फिफ्थ है हाँ महेंद्र फिफ्थ सॉरी नॉट वर्मा सो देखिए श्रीलंका के लिए पूछेंगे कि श्रीलंका को किसने कॉन्कर किया था तो जो श्रीलंका का नदन पार्ट था वो तो राजराज फर्स्ट ने किया था और उनके बेटे राजेंद्र फर्स्ट ने श्रीलंका का सदन पार्ट भी कैप्चर किया तो इस तरीके से दोनों के टेन्य में मिला के पूरा श्रीलंका इनके कब्जे में आ गया था एंड दिस लास्ट रूलर जिनको डिफीट किया था ही वॉज महेंद्र फिफ्थ विच वन ऑफ द चोल किंग्स कॉन्कर्ड सिलॉन तो पूरा कॉन्कर इन्होंने नदन पार्ट किया था और पूरे कौं, पूरा कॉन्कर किसने कर लिया था राजेंद्र फर्स्ट ने एसर्शन रीजन दिया हुआ है एसर्शन है वी हैव मच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट चोलाज देन देयर प्रोड्यूसर्स रीज़न इस ये है कि चोला रूलर्स जो चो थे दे अडॉप्टेड द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन द वॉल्स ऑफ टेम्पल्स हिस्टोरिकल नरेटिव ऑफ देयर विक्ट्रीज़, ठीक है तो दोनों ही सही हैं और ये उसको सही से एक्सप्लेन कर रहे हैं नेक्स्ट ओके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन बोल रहा है दैट वी हैव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट चोल रादर देन दे प्रोड्यूसर्स राज वन एंड राजेंद्र फर्स्ट दे हैड रिटर्न इंस्क्रिप्शन ऑन द वॉल्स ऑफ टेम्पल्स राज फर्स्ट स्टार्टेड द्रेडिशन ऑफ राइटिंग एंड कलेक्टिंग द टेल्स ऑफ विक्ट्रीज ऑफ हिस्सेस्टर्स थ्रू रिटर्न इंस्क्रिप्शन राजेंद्र किंग्स आफ्टर हिम फॉलोड हिज सूट हैंस असर्शन ए एंड रीजन आर बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्लेन इट वेल ठीक है हु वॉज द चोल मोनार्क हु गेव कम्प्लीट फ्रीडम टू श्रीलंका एंड गॉड इज डॉटर मैरिड टू द सिन्हा प्रिंस ओके अब ये बोल रहे हैं इनमें से कौन सा चोल मोनार्क है या चोल किंग है जिसने कम्प्लीट फ्रीडम दे दिया श्रीलंका को और अपनी बेटी की शादी वहाँ के सिन्ालीज प्रिंस के साथ कर दी सो ही वॉज कुल्होतुंग फर्स्ट विजय बाहू द सिलॉन किंग प्रोक्लेम्ड इंडिपेंडेंट सिन्हा आइलैंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कुल्होतुंग फर्स्ट बट कुलतुंग डिड नॉट शो एनी इंसिबिलिटी एंड मैरिड हिज डॉटर विथ सिन्हाला प्रिंस वीरा पेरुमल ठीक है वीरा पेरुमल तो कुलोतुंग फर्स्ट ने ये किया था अभी एक कुलोतुंग का क्वेश्चन आया था व्हाट वॉज दैट क्वेश्चन आई एम फॉरगेटिंग इट नॉट गेटिंग कुलौतुंग फर्स्ट के बारे में कोई क्वेश्चन था अभी राइट आई थिंक इधर दिस वॉज अबाउट द कैपिटल ऑफ चोल एम्पायर दिस वॉज द ओके इनके टेन और मै सेवेंटी टू ट्रेडर्स चाइना गए थे ठीक है ठीक है सेवेंटी टू ट्रेडर्स वेंट टू चाइना एंड ही वॉज द वन हु गे फ्रीडम टू श्रीलंका एंड मैरिड हिज डॉटर to द Sinhalese प्रिंस his नेम was वीरा पेरुमल नेक्स्ट इन द context ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया consider द फॉलोइंग पेयर्स एरीपट्टी तनियस और घटिका ये पूछ रहे हैं इनका मतलब क्या है तो एरीपट्टी का मतलब होता है लैंड रिवेन्यू फ्रॉम um was सेट apart फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द विलेज टैंक अभी हमने देखा था एरीप एरी एरी वरियम जो था वो पानी से रिलेटेड था तो एरीपट्टी इज ऑल्सो रिलेटेड टू वाटर नेक्स्ट इज तन्यूर। तन्यूर क्या होता है तन्यूर अ वेरी लार्ज विलेज वुड बी एडमिनिस्टर्ड एज अ सिंगल यूनिट ठीक है तो ये बोल रहे हैं कि विलेज मतलब एक कोई बड़ा विलेज होगा जिसको एडमिनिस्टर किया जाएगा एक सिंगल यूनिट की तरह वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट जो उस विलेज की होगी उसको तनियूर बोलेंगे नेक्स्ट इज घटिका घटिका इज कॉलेज जनरली अटैच टू द टेम्पल्स तो घटिका वो होते थे ऐसे कॉलेजेस जो जनरली टेम्पल्स के साथ अटैच किए जाते थे दोज वर घटिकाज ठीक है नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड सेंटर्स ऑफ एंशियंट इंडिया वॉज ऑन द ट्रेड रूट कनेक्टिंग कल्याण विद वेंगी तो कल्याण को वेंगी से जोड़ने वाला कौन सा ट्रेड रूट है इट इज़ तगारा इट वॉज अ सिग्निफिकेंट ट्रेड रूट विच लोकेटेड बिटवीन कल्याण एंड वेंगी हु वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ चालुक्य डेनेस्टी सो ही वॉज पुलकेशन सेकेंड नाउ वी आर मूविंग टू चालुक्या डेनेस्टी चोल आई थिंक हो गया है सो हु वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ चालुक्या डेनेस्टी इट वॉज पुल टू एंड ही वॉज द मोस्ट केपेबल एंड पावरफुल रूलर्स ऑफ द चालुक्यज हु रूल्ड ओवर सिक्स टेन टू सिक्स फोर्टी टू ए डी आई होल इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स द सागा ऑफ इज अचीवमेंट्स ठीक है नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन अबाउट विच किंग इज फाउंड इन दुरूस कुरुसपाल इंस्क्रिप्शन किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है कुरुसपाल इंस्क्रिप्शन से तो ये मिली है सोमेश्वर वन के बारे में हु वो सोमेश्वर वन कुरुसपाल इंस्क्रिप्शन ऑफ धरना महादेवी क्वीन ऑफ सोमेश्वर वन वॉज फाउंड नियर जगदलपुर सिटी इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ तो ये मिली है जगदलपुर डिस्ट्रिक्ट में झारखंड का okay. क्वेश्चन है क्या सॉरी छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है क्या ओके इट टेल्स अबाउट विक्टोरियस रेन ऑफ सोमेश्वर वन हु वॉज़ किंग ऑफ द वेस्टर्न चालोक्या ठीक है ठीक है तो इस पर ज़्यादा ध्यान आपको नहीं देना है मतलब ठीक है पढ़ लीजिए आ सकता है फिर से रिपीट हो सकता है चाहे अगर आपको छत्तीसगढ़ का पेपर देना है तो और ध्यान से पढ़िए लेकिन ये रीजन स्पेसिफिक क्वेश्चन है और इट इज़ नॉट फेमस एज एज इफ द अदर थिंग्स आर तो इसको पढ़ लीजिए बिकॉज़ ये रीजन स्पेसिफिक क्वेश्चन था तो वहाँ पर आने की संभावना ज़्यादा होती है और मे बी रिपीट भी हो सकता है अगर आप छत्तीसगढ़ का एग्जाम देना चाहते हैं तो ठीक है तो ये हो गया नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग डेनेस्टीज फ्रिक्वेंटली असाइंड टू लेडी टू द लेडीज़ हाई रैंकिंग पोजिशन इन एडमिनिस्ट्रेशन सो देवर चालुक्याज ठीक है? तो चालुक्याज ने क्या किया था दे असाइन टू द लेडीज़ द हाई रैंकिंग पोजिशन एडमिनिस्ट्रेशन में हाई रैंकिंग पोजिशन उन्होंने महिलाओं को भी दी थी Women were appointed to high designations in Chalukya administration. Vijaya Bhattarika, uh, Bhattarika, the queen of Chandraditya, um, brother of Vijaya okay, issued two copper plates by her name. She was an excellent poetess too. Vijayaditya granted a village to a scholar Brahmin on the recommendation of his sister Kumkum Devi. ओके okay, तो एक तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन मिल गया दूसरा ये बोल रहे हैं कि कुमकुम देवी जो इनकी बहन थी विजय विजयादित्य की उनके कहने पर ही ग्रांटेड अ विलेज टू द स्कॉलर ब्राह्मण मतलब उनकी उस, उनका से है तो एक ये भी एविडेंस हो जाता है तीसरा है विजय दत्त भट्टारिका रैन द एडमिनिस्ट्रेशन एफिशियंटली तो विजय जो विजया भट्टारिका जो थी जो शी वॉज द क्वीन ऑफ चंद्रदित्य सो शी रैन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो एफिशियंटली ठीक है तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कुछ एविडेंसेस कुछ इंस्क्रिप्शन के साथ नेक्स्ट वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ चालुक्या इज़ लोकेटेड तो चालुक्यों की कैपिटल थी वातापी या इसको बादामी भी बोलते थे एट प्रेजेंट द एंशियंट सिटी ऑफ बातापी इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका इज नोन एज बादामी इट वॉज द कैपिटल ऑफ चालुक्या ड्यूरिंग द सिक्स सेवन सेंचुरी एंड पुलकेशन फर्स्ट ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ बातापी चालुक्या डेनेस्टी नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस बिलोंग टू फॉरन ट्रेड तो ये बोल रहे हैं इसमें दो आंसर हैं नंदेसी और मनीग्राम श्रेणी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशियंट इंडिया वॉज द एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स श्रेणी हमने देखा था मॉडर्न पीरियड में भी थे जो ट्रेडर्स होते थे उनको श्रेणी बोला जाता था या श्रेष्ठ बोलते थे तो श्रेणी जो थे वो कौन थे देवता शे ओके दे वर द एसोसिएशन ऑफ़ ट्रेडर्स मर्चेंट्स एंड artisans. नगरम वॉज द टाउन वेयर मर्चेंट्स कंडक्टेड कमर्शियल एक्टिविटीज नगर क्या था जहाँ पे मर्चेंट्स जो थे जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ करते थे नंदेसीज एंड मनीग्राम वर गिल्ड ऑफ ट्रेडर्स हु ऑर्गेनाइज दैम सेल्स इन टू वन बिगेस्ट ऑफ द ट्रेडिंग एसोसिएशन एट द होम टाइम ऑफ होसल एम्पायर एंड दे डेवलप्ड सिग्निफिकेंट ट्रेड कॉन्टैक्ट विद मैनी एरियाज सो दे इंक्लूडिंग फॉरन कंट्रीज ऑल्सो ओके तो मनीग्राम और नंदेसीज जो थे वो क्या थे ये फॉरन ट्रेड से रिलेटेड गिल्ड्स थे नेक्स्ट इज द नेम ऑफ पोइट कालिदास इज मैंशनड इन कालिदास जी का नाम कहाँ पर मैंशनड है तो ये है अहेउल इंस्क्रिप्शन में मैंशनड है एहेल इंस्क्रिप्शन एक ऑथेंटिक सोर्स है टू नो पुलकेशन सेकेंड एंड इट इज एनग्रेव्ड इन संस्कृत एंड सदन ब्राह्मी लैंग्वेज एंड वॉज रिटन बाय रवि कीर्ति ठीक है तो रवि कीर्ति जी ने इसको लिखा था एट द एंड ऑफ कमेंडेशन द ऑथर क्लेम्ड दैट ही गेंड फेम लाइक कालिदास एंड भारवी बाय राइटिंग दिस दस द नेम ऑफ फो कालिदास इज़ मैंशन इन द आई होल इंस्क्रिप्शन ठीक है तो ऑथर ने यह क्लेम किया था कि उसको भी फेम मिल गया है कालिदास और भारवी के जैसे इसको लिखने से एंड द नेम ऑफ कालिदास इज मैंशन इन द आई होल इंस्क्रिप्शन नेक्स्ट द संस्कृत पोइट एंड ड्रामेटिस्ट कालीदास फाइंड इन तो अगेन आई होल इंस्क्रिप्शन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म यवन प्रिय मैंशन इन द एशियंट संस्कृत डिनोटेड टू सो इट वॉज पेपर काली मिर्च यवन प्रिय किसको बोला था काली मिर्च को बोला था यवन मतलब होते थे ग्रीक्स तो ग्रीक्स को काली मिर्च बहुत पसंद थी इसलिए यवन प्रिय नाम पड़ गया था Indian black pepper was a favorite ingredient of the most expensive Roman cookery. Um, that is why in Sanskrit it is called Yavan Priya. Halbi is related to which language family? Halbi kya hai? Halbi is a language. It is related to uh, Indo-Aryan language family of Bastar, Chhattisgarh, Transitional between Udiya and Marathi. It is written in Udiya and Devnagri script. तो हलबी को उड़िया और देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता नेक्स्ट एक्चुअली आई हैव अ सो थ्रोट तो इट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम या नेक्स्ट इज तोलकापियम टेक्स्ट डील्स विद सो इट डील्स विद ग्रामर एंड पोइट्री तोलकापियम इज़ नॉट ओनली द रेजिड्यूल टेक्स्ट ऑफ सेकेंड संगमेरा बट आल्सो द मोस्ट एंशियंट अवेलेबल टेक्स्ट ऑफ तमिल लिटरेचर

नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑथर ऑफ द शिल्पाधिकारम वॉज तो शिल्पाधिकारम लिखी थी इलांगो ने इलांगो अधिगल सो ऑथर ऑफ तमिल लिटरेचर शिल्पाधिकारम वॉज इलांगो अधिगल एंड ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ चोल किंग करिकल इलांगो अधिगल कौन थे जो करिकल जो चोल राजा थे उनके ग्रैंड सन थे ये द एपिक नरेट्स द ट्रैजिक एंड पॉइगनेंट स्टोरी ऑफ कन्नगी एंड हर हजबेंड कोवलन तो अगर आपने कन्नगी और कोवलन के बारे में सुना है या कभी आप साउथ इंडिया विजिट किए हैं तो कन्नगी का टेम्पल भी है वहाँ वेरी फेमस टेम्पल तो कन्नगी और कोवलन की जो स्टोरी है उनके पति कोवलन की तो ये नरेट की गई है इसमें विच इज़ बीन रिटर्न बाय इलांगल ठीक है सो दिस इज़ अबाउट दिस पार्ट ऑफ द वीडियो हम देखते हैं इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस हैं देर आर एटी टू क्वेश्चन तो हमने फोर्टी फाइव क्वेश्चन एक आ, पार्ट में कर लिए हैं नेक्स्ट पार्ट जो मैं अभी करूँगी उसमें बाकी बचे हुए अराउंड फोर्टी क्वेश्चन हम कर लेंगे ठीक है तो ये दो पार्ट में हो जाएगा ईजी टू रिवाइज़ हो जाएगा आपके लिए और इसको थोड़ा सा वन एक्स या वन पॉइंट फाइव एक्स पर भी आप चला के देख सकते हैं बिकॉज़ आई ट्राई टू कीप इट स्लो नॉट वेरी फास्ट जल्दी जल्दी नहीं करना करने की कोशिश रहती है मेरी अगर आपको चाहिए तो um, आप बता सकते हैं एंड वन मोर इनिशिएटिव आई वाज थिंकिंग कि आफ्टर एवरी वीडियो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डिस्कस सम ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ द डे नॉट ऑफ द मंथ ऑफ द डे लाइक आज अगर कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं करंट में तो क्या हुए हैं तो मैक्स टू मैक्स दस करंट अफेयर्स के बारे में हम डिस्कस uh, कर सकते हैं बहुत एलेबोरेटिव नहीं जाऊँगे आपके लिए वीडियो लंबा नहीं होगा बट इट कुड हेल्प यू बाई डीलिंग विद द डेली करंट अफेयर्स तो आपको जो इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत मैं दे रही हूँ वो तो ठीक है उसके अलावा आप उसके बारे में एलैबरेटिव डिस्क्रिप्शन आप अपने uh, खुद से भी ले सकते हैं बट यूल गेट सम पॉइंट्स कि आज क्या रहा है ऑल दो आई बिलीव दैट ऑल ऑफ यू आर फॉलोइंग द करेंट अफेयर्स डेली स्टिल देर आर सर्टेन टॉपिक्स जो हमें डिस्कस करते रहना चाहिए तो आई थिंक दैट कुड भी अ गुड इनिशिएटिव सो यू कैन टेल मी अबाउट इट इन द कमेंट बॉक्स और इसके अलावा आपको क्या चाहिए वो भी आप बता सकते हैं सो दैट इन द अपकमिंग डेज वी कैन ब्रिंग इट विथ यू तब तक आप पढ़ते रहिए रिवाइज करते रहिए एंड सेकेंड पार्ट में इसका लेकर आती हूँ अभी तो उसको आप कंटिन्यू कीजिएगा